हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंगफली की चिक्की। जिसके लिए चाहिए हमें ये मूंगफली। ये 250 ग्राम मूंगफली है। 250 ग्राम मूंगफली ले ले, ये कच्चे मूंगफली है। और ये 250 ग्राम गुड़ है, आप कोई भी गुड़ ले सकते हैं। गुड़ और मूंगफली 250 ग्राम ही लेना है, जितना गुड़ लेना उतना ही मूंगफली। और 2 चम्मच घी लिया है मैंने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई रख दें, गैस का फ्लेम लो ही रखें। इसमें हम सिंगदाना डाल देंगे। ऐसे लो फ्लेम में हमें इसे रोस्ट करना है। इसे चलाते रहें, इसे लो फ्लेम में ही इसे भूनें। अगर फास्ट गैस में अगर लो भूनेंगे तो मतलब ये जल भी सकता है और चिक्की का स्वाद ख़राब हो जाएगा, इसलिए लो फ्लेम में ही इसे भुने। देखिए मूंगफली के कलर भी चेंज हो गए हैं। इस तरह से एक निकाल कर ये छिलके निकलने लगे तो ये हमारा भुन गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा रख देंगे। उसके बाद हाथों से इसे मसल के इसके छिलके उतार लेंगे। ये ठंडा हो गया है, इस तरह से हाथों से मसले, इसके छिलके उतार लें। मूंगफली हमारी अगर भुनी होगी तो छिलके आराम से उतर जाएंगे, अगर मूंगफली नहीं भुनी होगी तो छिलके नहीं उतरेंगे। देखिए इस तरह से। अब एक कटोरी ले ले और इसे क्रश करना है हमें, इसे 2 भाग में करना है हमें। इस तरह से कटोरी से आप कर ले। देखिए मैंने इस तरह से कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम एक पेपर लेंगे प्लास्टिक का, आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। इस तरह मैंने ये ले लिया है प्लास्टिक का पेपर और नीचे एक बड़ा सा थाली रखा है। अब इसके ऊपर आप घी लगा दें, फैला दें, इस तरह से लगा दें पूरे प्लास्टिक में दोनों साइड। इस तरह से लगा दें। अब हम इसे साइड में रख देंगे। कढ़ाई रखें, इसमें डालेंगे हम 250 ग्राम गुड़। इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया था ताकि जल्दी से ये मेल्ट हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच तक पानी डाल दें ताकि हमारे गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। देखिए इस तरह इसे लगातार चलाते रहें, गैस का फ्लेम लो ही रखें वरना गुड़ हमारी जल सकती है। इसे लगातार चलाएं। देखिए गुड़ हमारे मेल्ट हो गए हैं, अभी हमारे पक रहे हैं। देखिए ऊपर ऊपर फेस आ गया है। इस तरह लगातार इसे चलाते रहें। गुड़ हमारा जितना अच्छे से पकेगा हमारी चिक्की उतनी अच्छी बनेगी। गैस का फ्लेम लो ही रखें। एक चम्मच इसमें घी डाल देंगे हम, ऐसे मिला ले। घी डालने से हमारी चिक्की में शाइन आ जाएगी, जिस तरह से बाजार में मिलते हैं उस तरह, इसलिए घी डाला जाता है 1 चम्मच, या तेल डालते हैं। इसे अच्छे से मिलाएं और लगातार चलाते रहें। अब एक कटोरी में हम पानी ले लेंगे। इसे हम चेक करेंगे कि गुड़ हमारा पका है या नहीं। इस तरह
से 2 मिनट साइड में रख दें, उसके बाद चेक करेंगे हम। देखिए ये अभी पका नहीं है, ये खींच रहा है, हमें इसे और पकाना है। इसे लगातार चलाते रहें, छोड़े नहीं। हम फिर एक बार चेक कर लेते हैं। गुड़ का कलर भी अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, देखिए हमारे गुड़ पक गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये मूंगफली के दाने जो हमने क्रश किए हुए थे, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और जिसमें हमने घी घी लगाया था प्लास्टिक में, उसमें हम निकाल लेंगे इसे। ध्यान से निकालें क्योंकि ये बहुत गर्म है। ऐसे फैला लें। इस तरह से प्रेस करें। मैंने चम्मच में नीचे साइड घी लगाया है, वो उसमें चिपकेगा नहीं, इसलिए घी लगा के इस तरह से प्रेस करके आपको जितना पतला चाहिए उस तरह से करें। इस तरह से फैला लें प्लेट के ऊपर। इस तरह से दूसरे भाग का प्लास्टिक इसके ऊपर रख दें। दूसरे साइड भी हमने घी लगाया था, इसे ध्यान से इसे करें। इसे रख देंगे हम, और बेलन की सहायता से आपको जितना पतला चाहिए उस तरह से हिसाब से आप बेल लें। इस तरह से दबा लें बेलन से, ध्यान दें क्योंकि ये गर्म है तो हाथ भी जल सकता है। अभी ऊपर का प्लास्टिक हटा देंगे हम, और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। ज़्यादा ठंडा होने ना दें, हल्का सा ठंडा हो। देखिए ये ठंडा हो गया थोड़ा, अभी इसे हम कट कर लेंगे। आप जिस साइज़ में कट करना चाहते हैं उस साइज़ में आप कट कर लें, छोटा बड़ा। इस तरह से कट कर लें क्योंकि ये सेट होने के बाद ये कट नहीं हो पाएगा। नाइफ हमारी अच्छी होनी चाहिए जिससे ये जल्दी से कट हो जाए। देखिए इस तरह, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे 1 से आधे घंटे के लिए। देखिए ये ठंडा हो गया है, मैं इसे निकाल रही हूँ। बहुत ही क्रंची बने थे ये, देखिए कितनी आसानी से प्लास्टिक से निकल जा रहा है ये। देखिए और बजाज जैसे शाइन भी है इसमें,
आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे एक लाइक दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।